सो हे गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक अच्छा सा स्केच, वो भी सिर्फ पेन का इस्तेमाल करके। ब्लू और नीली पेन का हम इस्तेमाल करेंगे। और आप बता सकते हैं स्केच कैसा लगा और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको स्केच अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा है, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे, कोई कमी लगे, तो आप उस कमी को मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस कमी को पूरा ठीक करने की कोशिश करूँगा। और आगे चल के मैं बहुत सारे स्केचेस ऐसे बनाऊंगा और उसमें मैं उस कमियों को ठीक करूंगा, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देख करके बताइए कि आपको स्केच कैसा लगा। आप देख सकते हैं कि मैं इस स्केच की आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसके आउटलाइन बना रहा हूं। सो गाइस, वैसे आप अगर आपसे आउटलाइन सीधी नहीं बन पाती है या इधर उधर टेढ़ी चली जाती है, तो आप ग्राफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता है ग्राफ का इस्तेमाल, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए कि मैं आने वाले समय में आपको ग्राफ का इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा कि हम ग्राफ का इस्तेमाल करके कैसे पेंटिंग बना सकते हैं और उसके द्वारा हमारी स्केच की आउटलाइन सीधी बन सकती है।
सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से शेडिंग के लिए इस ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और किस तरह से अपने हाथों का इस्तेमाल करके और इस पेन का इस्तेमाल करके किस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप ऐसे ही शेडिंग कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो को पूरा अच्छे से देख सकते हैं इसमें मैं किस प्रकार से शेडिंग कर रहा हूँ। और आप ऐसे ही बहुत सारे स्केच आप भी बना सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप देख करके आप भी सीख सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्केच बना सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए थैंक यू। सो गाइज, आखिरकार हमारा स्केच कंप्लीट होने वाला है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसके बालों की शेडिंग कर रहा हूँ और ब्लैक पेन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ इसके हेयर को ड्रॉ करने में। सो गाइज, आपको ये सेल्फी स्केच पसंद तो आया ही होगा।